और अभी जा रहे हैं हम लोग पुष्पा 2 देखने के लिए। शेवट चढ़ाओ आणि हा स्ट्राइक तर मारला। ओए भाई क्यों ना मैं एंटी पे एक प्रैंक करूं। तो हेलो एंड वेलकम टू द व्लॉग एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली वेल। आप सभी का स्वागत है आपके भाई के चैनल पे अगेन विद न्यू व्लॉग। आज हम लोग आए हैं ठाणे के विवियाना मॉल में और यहाँ पे चीज ऐसी है कि अभी मैंने आंटी को बुलाया है, हम लोग जा रहे हैं मूवी देखने। उससे पहले मैं करने वाला हूँ शॉपिंग, लेकिन अभी आंटी इतने जल्दी आया नहीं है, लेट कर रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आंटी पे एक प्रैंक करूँ। शाबाश बेटा, लेट्स सी कि उसका रिएक्शन क्या होता है इस चीज पे। मैं काफी ऊपर आ चुका हूँ और ये जो लोग यहाँ से आ रहे हैं ना, यहाँ से आंटी की एंट्री होने वाली है। वैसे हम लोग आए थे यहाँ पे मूवी देखने, पुष्पा 2 आज ही रिलीज हुआ है और फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने की इच्छा बहुत हो रही है और यहाँ की टिकट मिली तो यहाँ पे आए हम लोग देखने की। ये भाई साहब कब आ रहे हैं उनको भी पता, जब आएंगे तब देखते हैं। मैंने आप लोग को प्रैंक बताया नहीं बताया पता नहीं, विस्तार से मैं एक बार फिर से बताता हूँ क्योंकि मैं ही भूल गया था बताना क्या है। तो प्रैंक ऐसा होने वाला है कि मैं उसको बोलने वाला हूँ कि तू आ गया मॉल में, तो वो जब बोलेगा हाँ आ गया हूँ तो मैं दो बार पूछूंगा कि सच में आ गया, तो वो अगर बोलता हाँ तो फिर उसके बाद मैं बोलूँगा कि ब्रो प्रैंक कर रहा था यार तू सच में आ गया है, मेरे को वीडियो कॉल कर, ऐसे बोलूँगा तो थोड़ा वो पागल वागल हो जाएगा, उसका रिएक्शन देखने में मज़ा आएगा ऑब्वियसली। बट ये आ ही नहीं रहा दल्ला, बोल रहा 10 मिनट में आता हूँ 10 मिनट में आता हूँ, 20 मिनट 30 मिनट हो गए आ ही नहीं रहा। गाइस पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, प्रैंक मैं कर रहा था अब ये मेरे ही कॉल नहीं उठा रहा है और ये आ भी नहीं रहा है, क्या गुंडा बनेगा रे तू। तो गाइस अपडेट ये है कि वो पार्किंग में है और पार्किंग का रास्ता कहाँ से ऊपर आता है मेरे को जनरली नहीं पता। पहले मेरे को लगा और ऑटो से आ रहा है तो मेरे को एक जगह मालूम थी उधर से आता था, अब ये पार्किंग से आ रहा है तो नो आइडिया, अब होगा भागम भाग। दोस्तों अभी मैंने उसको बोला है कि मैं वो आदिदास के शोरूम के बाहर हूँ। अरे यार है कैमरा चाहिए। हाँ तो मैंने उसको बोला कि मैं आदिदास के शोरूम के बाहर हूँ और मैं ये वाले पिलर पिलर के पीछे छुप के वो आदिदास का शोरूम और वहाँ से मैं उसको कैप्चर मारूंगा, अब वो पता नहीं कहाँ से आएगा, लेट्स सी लेट्स सी। और फिर हुआ वहाँ पे आके मेरे को कॉल करेगा शॉम भर टाके। गाइस एक खुराफाती आइडिया ऐसे आई है कि मैं बोलूँगा कि प्रैंक तो था लेकिन प्रैंक करने को बोला मेरे को वो डिस्कॉर्ड की पब्लिक ने, तो मतलब मैं नहीं फंसूंगा, मतलब मेरे को गालियाँ नहीं देगा हराम ज़्यादा, ऑब्वियस सी बात है, तो गालियाँ तो वैसे भी नहीं देता वो किसी को, बट स्टिल लेट्स सी। अभी वो अभी आ ही नहीं रहा हराम, कौन से मॉल में गया है बे, पता नहीं विवियाना छोड़ के कोरम में ना चला जाए। गाइस गाइस आंटी आ गया है, मैं तुमको दिखाता हूँ आंटी किधर है। ये जो दिख रहा है कॉल कर रहा है मेरे को ही, कॉल कर रहा है मेरे को ही, कॉल कर रहा है, कॉल आया रुको, कॉल आया रुको। कहाँ लगाया फोन, आपका क्या नाम है, हमसे क्या काम है। अभी आंटी गाड़ी में उतरा, उसको लग रहा है सच में मस्ती कर रहा हूँ और अभी वो शायद घर पे जाने की तैयारी में है लगभग। उसको मैंने बोला है कि फोटो भेज, रुको कॉल आया। दोस्तों मैंने उसको बोला कि आदिदास के शोरूम का फोटो भेज, सच में आया क्या उधर, और वो आदिदास बेचारा, वो आदिदास के शोरूम का फोटो भेज रहे बेचारा, देखो कैसे खड़ा है दोस्तों, उसको लग रहा रहेगा कहीं से धोखेबाज यार राम ज्यादा, बट अभी उसको समझेगा। उसको मैंने अभी नींद से उठाया और बोला कि दोस्त अपने को मूवी को जाने का है, वो बेचारा आया अरे आता तो सदमे था, चल अरे चल तीसरा माड़ा जाए तो डेले है दोस्तों, बेचारा आया रे और उसके साथ आतला का वाटत होता प्रैंक असता तर खरा गेलो असतो इथे बिचारा रे कैसा है आपने किधर जाने का, अरे दोन तास होए प्लान सक्सेसफुल हुआ है और दोस्त आया लेकिन उसकी थोड़ी सी फटी थी अभी कि हराम ज्यादा तो है कर तो सकता है, लेकिन नहीं नहीं अपना ऐसा विषय नहीं है, आया एक शब्द पे आया, ऐसे भी नहीं बोला कि अरे अभी उठाऊ ये वो किरकिर नहीं है, डायरेक्ट आया। अभी जा रहे हैं हम लोग पुष्पा 2 देखने के लिए, मैं और आंटी दोनों ही, क्योंकि कैसे मेरे साथ कभी कोई पिक्चर देखने आता नहीं है, मैं अकेला जाता हूँ मोस्ट प्रोबेबली, बट आज मैं आंटी को लेके जा रहा हूँ। उससे पहले हम लोग जा रहे हैं एक टी शर्ट खरीदने को, क्योंकि ये हुडी पहन के मेरे को हो रही है गर्मी, मरना चाहिए इतना ठंडी है इधर बट फिर भी मेरे को गर्मी हो रही है, तो अभी एक टी शर्ट पहनते अच्छा सा और फिर जाते। तो अभी चलते चलते आंटी के दिमाग में ख्याल क्या आ रहेगा, देखो बोल रहा है कि ऊपर से मेरे दिमाग में नहीं था गाइस, हम लोग अरे काय बोलते हैं थर्ड फ्लोर पे हम लोग है और बोल रहा कि अगर हम लोग ऊपर से किसी के ऊपर थूके तो कितना गलीचे है, इसके लिए इसको किधर लेके ले जाने का इच्छा होता है। और ये देखो भाई ने कैप ले लिए, कैप ले लिए, नो कैप जैकिंग जोन। दोस्तों मैं पहली बार ये मतलब इधर आया हूँ
वीराना के थिएटर में। क्रेजी है भाई, ये बहुत बड़ा है, एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इतना बड़ा है। बट देखो ना पीछे, देखो पीछे इतना एरिया है, आगे उतना भी उतना ही एरिया है। डोंट नो भाई क्या सीन है, गर्दीले मरना चाहिए पूरे को। गर्दी देखो, करण अर्जुन पिक्चर लागले ले दोस्त, फिर जॅकेट जो दिख रहा है एवढा अंधार पडलाय, पुढे काय स्क्रीनवरती लावलंच नाही तर लावल्यावरती बघू। दोस्तों मैं दिखाने को तुमको पूरा पिक्चर भी दिखा सकता हूँ, लेकिन मेरा चैनल उड़ेगा वो उड़ेगा, और ऊपर से आप लोगों को ये क्वालिटी में देखने को मजा भी नहीं आया, मेरे फ़ोन को इतना चार्जिंग भी नहीं है, तो उससे अच्छा एडवर्टाइज देख लो फ्री की और पिक्चर देखने थिएटर में आओ। मैं देख के बताऊंगा रिव्यू बाद में। दिख रहा है ना हम लोग अभी बैठे ना ऊपर, हमको लगा रिक्लाइनर एकदम पक की सीट लेकर बैठे, लेकिन अपने साथ हुआ है स्कैम होने लगा। तो अभी इधर अपन ऐसे देखेंगे मस्त, थोड़ा सो रहा है हाँ ना, पीछे भी नहीं जा रही, घंटा आ गया थोड़ा एडवर्टाइज कर रही थी, फिर सो जाओ क्योंकि उसके बाद भी एडवर्टाइज। इंटरवल हो गया अभी और हम लोग बाहर आए, क्वालिटी है पिक्चर, बट सीन ऐसा है कि ठंडी बज रही है अंदर, और मैं सोया था स्टार्टिंग में, तो फुल विषय ही सोया था कड़क, पर बाद में जैसे जगा तो फिर नींद नहीं आई कड़क। अच्छा इंटरटेनमेंट के मामले में 10/10। अभी हम लोग जा रहे हैं पॉपकॉर्न लेने, क्योंकि थोड़ा इंटरेस्ट आया अभी, कैसे एक चैलेंज हुआ है मूवी में, वो आप मूवी देखो गाइस। ये हम लोग को मैं तो फुल टाइम पास देखने के लिए मूवी आया हूँ, क्योंकि आज का दिन निकालने का, मेरे को रात को एक इम्पोर्टेंट काम है, उसके बाद कल बूट क्या। यस दोस्तों, जस्ट मूवी खत्म करी है, अभी हम लोग बाहर निकल रहे हैं भाई, ये तो शुरू होते ही खत्म हुआ यार। बट एक बात मैं बोलना चाहूंगा इस मूवी के लिए, कुछ मूवीज है जो फिजिक्स को, मतलब साउथ की मूवीज फिजिक्स को ध्यान में रखते हुए बनाई जाती है, लेकिन पुष्पा के प्रोड्यूसर्स ने सोचा है कि बैक टू बेसिक जाने का फिजिक्स में, जैसे थे वैसे। इंटरटेनमेंट 10/10, 100/100, गूज़बम्प्स 100/100, सॉन्ग 0, हालांकि 5-5 मिनट तक गाने वास्ते मेरे को लग रहा है 9-10 गाने हैं मूवी में। मूवी कड़क है, विषय इतना मूवी कड़क है, लेकिन फिजिक्स बैक टू बेसिक्स लिए साउथ इंडिया वापस अपने ट्रैक पे घुस रहा है। इतने लोग पीछे भी लोग है गाइस, पीछे भी लाइन है, और इतने लोग बाहर जा रहे हैं मूवी देख के। अभी जस्ट थिएटर फुल था, हंसने के मोमेंट पे ऐसी हंसी आती थी ना, घपघप 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 सब लोग हंसते थे, पर कॉमेडी भी है, थ्रिल भी है, गूज़बम्प्स भी है, इंटरटेनमेंट है, फाइटिंग है, इमोशंस है, कड़क है, ओवरऑल 100/100 है। भक्त गाने काढून टाका, लय गाणी मारना ची गाणी, बोर हो रहा है गाने से हाँ ना, कुछ भी, वो रो रहा है तो वो समझने के लिए गाना गा रही है, उसको बच्चा हुआ है तो वो नाच के गाना गा रहा है। अरे मतलब हो, गाना होना चाहिए बट इतना नहीं होना चाहिए भाई। मैं और आंटी अभी जा रहे हैं कुछ तो भी क्रेजी करने। दोस्तों हम लोग बॉलिंग करने जा रहे हैं, मैं मेरी जिंदगी में पहली बार बॉलिंग करने वाला हूँ। आंटी भाई मारने जा रहे, लेट्स गो आंटी भाई, मचा डालो। और ये आंटी भाई का साइड में जाता हुआ, क्या बात। और एक बार आंटी भाई यहाँ पे जाते हुए क्रेजी चीज करते हुए, और ये हो सकता है। ओ भाई, ओ गिरा 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 आंटी गिरा। भाई चलो लेट्स गो, क्या बात है। आगो भाई, एक पाडली चल का विषय ना, घे सगळ्या पडणार, सेंटर मार। हा पाडल्या सगळ्या पाडल्या। किती राहिलं, 3 राहिलं ना। Come on auntie, let's go। और ये तोड़ा, सब कुछ तोड़ा। ओ
40 by going huge. और हक दिया है गंदा वाला. चलो एंटी भाई लेट्स गो. ओ गेला 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 क्वालिटी. नाइस सर यार नाइस सर. मारा है मारा है मारा है. शेवटचा डाव आणि हा स्ट्राइक जर मारला ओए भाई एक बचाय गाइस एक बचाय. आंटी एक मारायचा भावा तर तू मारलं पाहिजे नाही तर मग काय फायदा नाही. चल कम ऑन मार मार मार. मारला 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 क्वालिटी. तो यस गाइस ये था आज का व्लॉग. कैसा लगा आपको व्लॉग बताना जरूर. और मैं मिलता हूँ ऐसे किसी और व्लॉग में. तब तक के लिए बाय बाय पीस आउट. मिलता हूँ मैं अगले व्लॉग में. और डोंट एक्सपेक्ट कि 20-30 मिनट का व्लॉग रहेगा. ये मोटो व्लॉग नहीं है, ये व्लॉग है नॉर्मल डेली व्लॉग का जैसा. तो मिलता हूँ अगले व्लॉग में. बाय बाय पीस आउट.